हाय एवरीवन, मैं हूं वुल्फ गेमर। आप लोगों के लिए लाया हूं एक नया वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबको एक रिक्वेस्ट कर लेना चाहूंगा, जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जैसे कि मेरे कुछ सब्सक्राइबर बोल रहे थे कि डेजर्ट ईगल का वन टैप हेडसेट का एक ट्रिक्स वीडियो या टिप्स वीडियो लाने के लिए, तो चलिए आप ये टिप्स समझ लो या ट्रिक्स समझ लो, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूरी है। आप कुछ क्लिप देख लो, फिर आपको समझ आएगा, फिर मैं आपको पूरा ट्यूटोरियल के साथ बताऊंगा। तो आप ये देखो और थोड़ा ध्यान दो मेरा रेड डॉट को, मेरा जो हमारा एम डॉट होता है उसको थोड़ा ध्यान दो। आप ये कुछ क्लिप देख लो, फिर हम लोग जाएंगे टारगेट प्रैक्टिस जोन को, फिर मैं वहाँ पे आपको पूरा ट्यूटोरियल के साथ बताऊंगा कि कैसे काम करता है और क्या मैकेनिज्म है इस हेडशॉट के पीछे, आप कैसे वन टैप मार सकते हो। ये ट्राई किया नहीं लगा, ये ट्राई किया लग गया, और सर यहाँ पे मैं मर भी गया। अरे बीएस सबीर, चलो देखते हैं। अरे ये मार दिया, चलो ठीक है, अभी ले लेंगे इसका रिवेंज। चलो लक्की हेडशॉट बीएस सबीर, रिवेंज कंप्लीट। आप ये देखो, मैं 3-4 बार कोशिश किया हेडसेट के लिए, लेकिन नहीं लगा। कभी कोई नहीं, मतलब कभी कभी होता है। अभी देखो ये भी नहीं लग रहा है। जब डेजर्ट ईगल नहीं काम करे ना भाई, तब क्रोनो मार के M18 मार लो, फिर लग जाएगा M18। समझ रहे हो ना? अपने को क्या चाहिए, अपने को जिंदा रहना है बस। M18 से मारो या डेजर्ट ईगल से। अभी और एक बात आता है कि ये अभी हम ट्रेनिंग में कर रहे हैं, तो क्या ये सब ट्रिक गेम के अंदर काम करेगा? क्योंकि गेम के अंदर क्या एनिमी ज़्यादा ही कुछ मूव करते रहते हैं, तो लेकिन फिर भी क्या आपको प्रैक्टिस करते रहना है। आप प्रैक्टिस करोगे तो गेम के अंदर भी ऐसे शॉट मार सकते हो। मैं आपके लिए भी दूसरा वीडियो ले आऊँगा जो गेम के अंदर रहेगा, क्लास पार्ट के अंदर, तो आप भी समझ जाओगे। तो सबसे ये एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लो चैनल को। बहुत मेहनत किया है इस वीडियो को बनाने के लिए, आप तक ये पहुँचाने के लिए ये टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आप लोग अभी क्लिप देख लिए, तो अभी हम बात करेंगे थोड़ा कस्टम एच्यूडी के बारे में और हमारा जो सेंसिटिविटी होता है उसके बारे में। तो चलिए देखते हैं सेंसिटिविटी कितना रखना है। ये आप देख लो, जनरल और रेड डॉट सब 100 होने चाहिए, ये आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा। और बाकी ये कस्टम एच्यूडी में ये हमारा जो फायर राइट फायर बटन होता है उसको आपका फिंगर टिप के साइज, यानी कि मैंने तो रखा हुआ है 47, आप देख सकते हो, आप 50 भी रख सकते हो, वो आपको भी क्या भैरी करके चेक करना है। तो चलो अभी हम आ गए टारगेट प्रैक्टिस जोन में, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख लो, ये मैंने रेड जोन नीचे रखा एम डॉट को, फिर मारा, फिर एम डॉट नीचे रखा, फिर मारा। अब देखो मतलब कहाँ से ले रहा हूँ और कहाँ पे मार रहा हूँ, आप देख सकते हो मतलब किस तरह लगता है हेडशॉट को। वहाँ पे रखने और मारा हेडशॉट, नीचे रखा नहीं लगा, फिर और एक बार हेडशॉट। तो ये समझ लो, आपको रखना है एम को बॉडी से थोड़ा नीचे, फिर आपको स्ट्रेट ड्रैग करना है। आप रोटेट ड्रैग भी कर सकते हो, तो आप अगर एनिमी कोई भी साइड दौड़ रहा है तो आप उस साइड को रोटेट ड्रैग करो। मैं इसका भी क्लिप ले लूँगा आपके लिए, लेकिन फिर भी आप मेरा जो फायर बटन है उसको देखो। अगर मैं एम डॉट को थोड़ा लेफ्ट रखूँगा तो लेफ्ट साइड रोटेट ड्रैग करूँगा, अगर एम को मैं राइट साइड रखूँगा तो राइट साइड रोटेट ड्रैग करूँगा, तो हेडशॉट लगेगा। तो आप सबको करना क्या है, आप सबको यहाँ पे जाके खड़ा होके प्रैक्टिस करना है कि आपको कहाँ पे कितना आपका जो फायरिंग बटन का साइज है वो सेट कर लेना है, आपका सेंसिटिविटी सेट कर लेना है। यहाँ पे खड़ा होके आप यहाँ पे खड़ा होकर करोगे ना तो आपको थोड़ा इजीली और जल्दी हो सकता है, क्योंकि आप गेम के अंदर करोगे ना तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि एनिमी भागता रहता है ना, तो इसीलिए तो आप यहीं पे जाके कीजिए। फिर बाद में आप देखिए किस तरह का लगता है, मतलब आप कौन सी पोजिशन पर लगता है वो सब सेट कर लीजिए, फिर बाद में आप ट्रेनिंग ग्राउंड में जाइए, फिर वहाँ पे आप ट्राई कीजिए।
अब देख सकते हो कितना अच्छा हेडशॉट लग रहा है इसमें। कुछ करना नहीं है आपको, बस ध्यान रखना है कि बॉडी से दूर रहेगा और नीचे के साइड। ऐसा नहीं अगर वो भागता रहेगा तो आप राइट में रख के भी एम को और थोड़ा सा राइट रहेगा और फिर वहाँ से आप फायर करेंगे तो भी हेडशॉट लगेगा। मैं आपको दिखाऊंगा, क्लास स्क्वाड का एक वीडियो लाऊंगा आपके लिए, फिर आपको उसमें सब दिखाऊंगा पूरा। और ये जो टिप्स है ये आपका शॉर्ट रेंज और मिड रेंज में अच्छा काम करेगा, बहुत ही अच्छा काम करेगा, आप ये ट्राई कर लेना एक बार। तो अभी मैं ये सोच सकता हूँ कि इस ट्यूटोरियल की मदद से आप सब एक बार तो ज़रूर ट्राई करेंगे हेडशॉट मारने के लिए और आप लोग ज़रूर कामयाब होंगे। और प्रैक्टिस करते रहिएगा तो फिर आप एक दिन ज़रूर वन टैप हेडशॉट का किंग बन जाइएगा। तो चलिए आज के लिए उतना ही, सोचता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एक्चुअली ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि लोगों को पता नहीं चलता है कि कहाँ पे जाके प्रैक्टिस करें हेडशॉट का, क्या करें कहाँ नहीं करें, तो वो लोग क्या डायरेक्ट ट्रेनिंग में चले जाते हैं और उनका कुछ होता नहीं है, फिर वो लोग बंद करके आ जाते। तो इसीलिए आपको प्रैक्टिस करना है जहाँ पे हम लोग टारगेट प्रैक्टिस करते हैं उस जोन पे। तो चलिए चलते हैं, और जाने से पहले एक रिक्वेस्ट फिर से कर दूंगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लो वीडियो को। तो चलता हूँ, अपना ध्यान रखिएगा इस कोरोना टाइम में, और मस्त रहिएगा, मज़े में रहिएगा, फ्री फायर खेलते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर। Join the path.